पीएम मोदी के एक बयान पर राजनीति में बवाल मच गया है। दरअसल कल नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले कभी भी भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते। क्या कभी आपने उनकी मुंह से ऐसी बातें सुनी हैं? जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तरफ से भी पलटवार सामने आया है। क्या दिक्कत है इनको भारत माता की जय क्यों नहीं कर सकते? नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं आप। बेरोजगारी जो है देश का सबसे बड़ा दुश्मन है आज के दौर में। आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों का पेट भरे, लोगों की रहने की व्यवस्था हो, ये असल मुद्दे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हैं, जो यहाँ की लोकल समस्या है उनके बारे में क्यों नहीं बात करते। बिहार में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार, बिहार में वो रोजगार कैसे देंगे, इन सारे मुद्दों पर वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने भी पलटवार किया है। सबसे पहले आप सुनिए नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत माता की जय एक ऐसा उद्घोष है जिसमें भारत के मान स्वाभिमान से लेकर भारत के प्रति प्रतिबद्धता से लेकर भारत के विकास से लेकर भारतवासियों के सुख चैन, इसका उद्घोष है भारत माता की जय। तो नित्यानंद राय ने सीधे तौर पर कहा कि भारत माता की जय एक उद्घोष है जिसमें मान सम्मान सम्मिलित होता है। आपको बता दें, दरअसल पीएम मोदी ने एक जनसभा के दौरान लालू राज पर हमला किया था, जिसके बाद से राजनीति में बवाल मच गया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।